हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है मंचूरियन। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए, हमने यहाँ पे ली है पत्ता गोभी को, हमने एक क्रश कर लिया है। यहाँ लिया हमने एक शिमला मिर्च, एक गाजर, और ये लिया हमने बीन्स। बीन्स इन सबको हमने चॉप कर लिया है इस मशीन में बारीक बारीक करके। और हमने लिया है यहाँ पर प्याज और लहसुन। लहसुन हमने इसमें ज़्यादा लिया है, प्याज हमने ज़्यादा नहीं लिया है। और यहाँ पे हमने मोटा मोटा ये प्याज और कैप्सिकम को ऐसे कट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक ले लिया है बाउल। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गोभी। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाने हैं आप उतने यूज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे चॉप की हुई बीन्स डालनी है। बीन्स आप सारी ही यूज कर सकते हैं। और यहाँ हमने चॉप की हुई शिमला मिर्च, और हमने यहाँ पर गाजर ली है, हमने एक गाजर ली है, हमने चॉप की हुई गाजर डाल दी इसमें। और इसको अच्छे से हमें मिलाना है। और अब हमें डालनी है इसमें, हमने यहाँ घर पे ही पीसी है, ये है लेनी हमें काली मिर्च, तीन पिंच हमने काली मिर्च ली है। और हमें यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है थोड़ा सा। नमक डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिला लेना है। आप हैंड से भी अपने यूज करके मिला सकते हैं, नहीं तो स्पून से आप अच्छे से इसको मिला लेना है। जब हमारा ये अच्छे से मिल जाएगा, हमें इसमें डालना है, हमने यहाँ पे 4 चम्मच ली है मैदा। मैदा को हमने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से हमें चलाना है। और हमने यहाँ लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को भी हमें अच्छे से, और हम अब इसको अच्छे से हाथों से आटे की तरह गूंद लेंगे। मतलब बिल्कुल जो इसकी इसके हमें बॉल्स बनानी है तो इतना डालना है। हम आप और भी मैदा यूज कर सकते हैं, और भी कॉर्नफ्लावर यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियों में पानी होता है तो ये जो ये सोख लेता है सारा आटे को। तो हमें अच्छे से इसको मेल्ट करना है, मिला लेना है अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल अच्छे से बॉल्स बना लिया हमने हाथ धोकर। इसमें अब लगा लिया है ऑयल ताकि चिपके नहींगा नहीं। और अब इसको ऐसी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर एक बाउल में या एक प्लेट में रख लीजिए। आप साइज अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी बॉल्स बनानी है या छोटी, क्योंकि पानी में जाके थोड़ा फूलती भी है। जो हमने इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा डाला है, इससे इसमें बहुत अच्छा क्रिस्पीपन आ जाएगा। हम ये बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी बॉल्स बनकर रेडी हुई हैं, कलरफुल बॉल्स। अब हम इसको क्या करना है, बॉल्स को फ्राई करना है। आप इसको डीप फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमने यहाँ पर तेल गर्म होने रख दिया है, हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है, रिफाइंड ऑयल, अच्छे से ये गर्म हो जाए। फिर हमें इसको थोड़ा सिम कर देना है ताकि ये बॉल्स अंदर से भी अच्छे से पक जाए। नहीं तो अगर हम तेज उसमें डाल देंगे तेल में गर्म, तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे बट अंदर से जो मैदा और कॉर्नफ्लावर डाला ये कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ी सिम आंच पे ही पकाना है। तो अब हम एक एक करके ये देखिए जो बॉल्स थी हम इसमें डालना स्टार्ट करेंगे। जितनी आपकी कढ़ाई में बहुत इजीली आ जाए उतनी आप बॉल्स इसमें ऐड कर दें। बहुत ही आराम से, और फिर इसको अभी थोड़ी देर चलाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे करना है तो बॉल खुद ही अपनी जगह छोड़ देगी। तो देखिए बॉल्स अपने आप खुल रही हैं। देखिए तो इसे हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से, जब तक ये डीप फ्राई ना हो जाए, अच्छे से कलर ना आ जाए गोल्डन ब्राउन, तब तक हमें इसको फ्राई करना है। तो फ्रेंड देखिए, हमने जो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की फ्राई हो चुकी है उनको साइड में करके जो हमारी और बॉल्स बची थी हमने सारी इसमें अच्छे से फिट कर दी है। हमें इसको हल्के हल्के आँच में अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। फिर हमें हल्के हल्के हाथों से ये पकौड़ियों को, जो हमारी बॉल्स हैं, इनको अच्छे से पलटते रहना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कितने क्रिस्पी बॉल रेडी हो चुके हैं, मंचूरियन बॉल्स।
तो अब हम इन्हें धीरे धीरे आराम से निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी क्रिस्पी बॉल हमारी रेडी हुई है। ये देखिए आवाज भी आ रही है क्योंकि ये जब ग्रेवी में जाएगी तो खुद सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स अब हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमने वही कढ़ाई ले ली है, हमने ऑयल कर दिया है कम, और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ये प्याज और लहसुन, हमने लहसुन थोड़ा ज्यादा लिया है क्योंकि इसमें लहसुन बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज को और लहसुन को। आप लहसुन भी डाल सकते हैं। हमने इसको अच्छे से हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ज़्यादा नहीं। अगर आपके बच्चे मिर्च नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पकोड़े में जो हमने बॉल्स बनाई हैं उसमें काली मिर्च भी ऐड की है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि मिर्च ज़्यादा बैलेंस रहे, ना ज़्यादा तेज रहे ना ज़्यादा कम, क्योंकि बच्चे बहुत कम खाते हैं मिर्च। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये मोटी मोटी प्याज और कैप्सिकम कट करी थी इसको भी हम थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए इसमें डाल देंगे, ताकि ये इसके साथ ही थोड़ी फ्राई भी हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारी बची हुई थोड़ी सी काली मिर्च थी, काली मिर्च ऐड कर देंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि आपने बॉल्स में भी नमक ऐड किया हुआ है, कहीं आपका नमक ज़्यादा ना हो जाए, फिर वो सारा टेस्ट जो है मंचूरियन का बहुत ख़राब हो जाएगा। हमें इसको एक दो सेकंड के लिए ऐसे ही पकाना है, तब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है सब्जियाँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमने लिया है यहाँ पर शेजवान चटनी, तो हम इसमें एक चम्मच चटनी को ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे एक चम्मच। और हमने यहाँ लिया है सोया सॉस, हम इसमें दो ढक्कन सोया सॉस भी ऐड करेंगे। ये चटनियाँ बहुत खट्टी होती हैं तो आप इसमें आप थोड़ी क्वांटिटी कम ही रखें, ज़्यादा नहीं। और हमने ले लिया है यहाँ पर एक चम्मच केचप, आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इससे थोड़ी मिठास आ जाती है। कई लोग होते हैं उनको मिठास ज़्यादा पसंद नहीं होती। इसकी जगह आप बैलेंस करने के लिए, मसाले बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी, हाफ टी स्पून चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और हमने यहाँ थोड़ा सा लिया है फूड कलर, ताकि मंचूरियन का थोड़ा सा कलर भी आ जाए। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से पकाना है। जब ये थोड़ा पक चुका है अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे, ताकि सारी चटनियाँ अच्छे से, इसमें जो सब्जियां डाली है हमने, सारे मसाले अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएं। आप ग्रेवी अपनी उसके अनुसार कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड ज़्यादा कर सकते हैं, और फिर कॉर्नफ्लावर का जो घोल होता है वो आप डाल के इसको अच्छे से गाढ़ा बना सकते हैं। अगर आपको हल्की ग्रेवी वाला चाहिए तो आप इस थोड़ी ही ग्रेवी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें डाल दिया है पानी। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा, ये हमारी जो ये ग्रेवी है बहुत ठीक हो गई है, तो हमने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लावर वाला पानी, और अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है, और गैस को हमें बहुत हाई फ्लेम पे कर देना है। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी थिक ग्रेवी तैयार हो चुकी है। थोड़ा हमें 5 से 10 मिनट तक इसको पकाना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी बहुत ही अच्छी है जो ग्रेवी है मंचूरियन की, ये रेडी हो चुकी है। अब हमें इसमें ये जो बॉल्स हैं, हम इसमें धीरे धीरे बॉल्स को ऐड कर देंगे। आप ये अगर आप खाना चाहते हैं, और अगर आपको और किसी को और भी सर्व करना है, तो आप बॉल तभी के तभी भी जब गर्म करें देने के लिए तब भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बॉल थोड़ी क्रिस्पी और थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर हम अभी से डाल देंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हमें ये रेडी करना है इतना ही, तो हम इतनी ही बॉल डालेंगे इसमें, और इसको अच्छे से एक दो सेकेंड, जब तक इसमें खद्दा ना आ जाए तब तक अच्छे से पका लेंगे, ताकि ये बॉल्स में अच्छे से जो मसाला है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसमें अब्सॉर्ब हो जाए।
तो देखिए फ्रेंड्स कितने टेस्टी हमारे मंचूरियन बनके रेडी हो चुके हैं। तो आप इन्हें ज़रूर बनाएं घर में और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इसको स्नैक्स की तरह भी ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी राइस के साथ भी खा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना।